एक हदीस में तो हुजूर ने ये फरमाया है, अल्लाह ताला तीन अशखास की वो कितनी ही फरियाद करे उनकी फरियाद सुनता ही नहीं। एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के हाथों नाला है, वो कच खुल्क है या जो भी है उसके अंदर, ये सब है, रोता रहता है, उसकी शिकायत तलाक नहीं देता, तो अल्लाह उसकी बात नहीं सुनेगा। जब मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला हुआ, क्यों नहीं उसे इख्तियार करते? अल्लाह ताला जो है उसके लिए भी हो सकता है बेहतर शक्ल पैदा कर दे, तुम्हारे बाद अल्लाह उसे कोई बेहतर शौहर जो उसके साथ मुआफ़क़त रखने वाला हुआ, अल्लाह उसे अता कर दे, तुम्हें भी अता कर दे। इसी तरीके से एक शख्स है जो कर्ज देता है, न तहरीर लेता है, न जो है उसके ऊपर गवाही करता है, बाद में रोता है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ भाई कर्ज दो, तो उसके ऊपर जो है तुम गवाही कर लो, तहरीर करो। अल्लाह का हुक्म उस वक्त नहीं करे, उस वक्त तो मोहब्बत आड़े आ जाती है, ये तो बड़ी बेमरबूती की बात है कि मेरा भाई मुझसे कर्ज मांग रहा है, दोस्त कर्ज मांग रहा है, मैं कर्ज के लिख के दो और इसके ऊपर दो आदमियों के दस्तखत भी करवाओ। लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म। अब अगर तुमने वो हुक्म नहीं माना, अब मत रो, अल्लाह ताला तुम्हारी जो है वो जो भी तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा। ये मैं रिवायत आपको सुना देता हूँ। वक़द रवा शौबत अन फिरास मिन शाबी अन अबी बुरदा अन अबी मूसा काला सलासतुन यदउन अल्लाह फला यस्तजीब लहुम। तीन किस्म के लोग वो हैं जो अल्लाह को से दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता। रजुलुन कानत लहु इमरातुन सय्यतुल खुल्क फलम युतल्लिका। एक आदमी वो है जिसकी बीवी जो है वो बहुत ही कज खुल्क है, लेकिन उसे तलाक नहीं देता। वह रजुलुन आता बालहु सफियन वक़द काल अल्लाह ताला ला तूतु सुफहा अमवालकुम। और एक ऐसा इंसान जो कि किसी नादान नासमझ के हवाले अपना माल कर देता है, जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि नासमझ लोगों के हवाले अपने माल न करो। वह रजुलुन लहु अला रजुलिन दैनुन, और वो शख्स के जिसका कोई कर्ज किसी के जिम्मे है, वलम यशहद अलैहि भी, उसके ऊपर उसने गवाहियां नहीं करवाई थी, तो अब रोता है तो रोए, अल्लाह ताला उसकी दुआ नहीं सुनेगा।